लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्लो ऑफ हीट पर डिपेंड करता है टेम्परेचर, यानी अगर व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी, बॉडी बिकम्स हॉट, व्हेन हीट इज इजेक्टेड फ्रॉम अ बॉडी, बॉडी बिकम्स कोल्ड. That's why student defines that the degree of hotness and coldness of body is called temperature. Degree of temperature को हम measure करते हैं तीन scales में. Temperature को हम तीन scales में measure करते हैं, Celsius और centigrade, Fahrenheit और Kelvin. इन्हीं समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये बताना पहले पसंद करूंगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. भाई रेफरेंस पॉइंट जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम करना चाहते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो पॉइंट एट सरफेस ऑफ अर्थ है वो आपका बन जाता है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट, तो इसी तरीके से हम टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए तीन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे. लोअर फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कहते हैं, अगर हम सब्सटेंस यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अगर वो मिक्सचर बरकरार रहता है, कांस्टेंट रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो जो थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं और वो टेम्परेचर वो थर्मामीटर आपका मेजर करके दे सेल्सियस में, तो मर्क्यूरी जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर आके रुक जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होके, तो कॉन्ट्रैक्ट होके एक फिक्स्ड पॉइंट पर रुक जाती है और वो हमें वैल्यू बताती है जीरो सेल्सियस. तो हम उस पॉइंट को कहते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. जब हम सब्सटेंस को वाटर प्लस स्टीम, जब आपका सब्सटेंस जो है वाटर प्लस स्टीम के साथ हम उसको हीट सप्लाई करते जाएं और मर्क्यूरी ऑफ थर्मामीटर किसी न किसी पॉइंट पर आके रुक जाता है और सब्सटेंस की वाटर और स्टीम बरकरार रहे. तीसरा पॉइंट है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर. लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टिपर पॉइंट. टिपर पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच सब्सटेंस Exist in equilibrium. In liquid, solid and gaseous state. तो उस temperature को हम कहते हैं triple point. तीनों के तीनों states exist कर रहे हो उस temperature पर, तो हम उसको कहते हैं triple point. टेम्परेचर. अब उससे रिलेटेड हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, यानी इसमें आपका जो सब्सटेंस जो है वो गैसेस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. गैसेस कन्वर्ट्स हो रही हो लिक्विफाइड में और कूलिंग के जरिए, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर. डिफरेंस पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसमें सब्सटेंस जो है वो आपका वाटर प्लस में आइस, वाटर प्लस में आइस. अगर इस सब्सटेंस की ये नेचर बरकरार रहती है और जिस थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं वो अगर सेल्सियस में है, तो उसके जो मर्क्यूरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक पॉइंट पर रुक जाती है
और उस पॉइंट पर हम जो टेम्परेचर नोट करते हैं वो उसका होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो जब हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट की बात करते हैं तो सेल्सियस पर आ जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट की तो जब सब्सटेंस की नेचर हीट को सप्लाई करने से सब्सटेंस की नेचर जो है वो बन जाती है वाटर प्लस स्टीम, और मर्क्यूरी ऑफ थर्मामीटर जो है वो उस पॉइंट पर आके रुक जाता है जहां पर ये सब्सटेंस की नेचर बरकरार रहती है, तो उस टेम्परेचर पर एक वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। और अगर वो थर्मामीटर सेल्सियस में है तो फिर हम उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपका सेल्सियस में होता है 100 सेल्सियस। लेकिन जब हम थर्मामीटर यूज करते हैं फारेनहाइट का, तो फारेनहाइट जो है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल, यानी इस सब्सटेंस वाटर प्लस आइस के भी बिल्कुल नीचे जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट था फारेनहाइट, जब उसने लोअर फिक्स्ड पॉइंट को डिस्कस किया था तो वो कुछ यूं था कि उसमें जो सब्सटेंस यूज किया गया था लोअर फिक्स्ड पॉइंट के लिए वो यूज किया गया था ग्राइम, जो कि वाटर प्लस आइस प्लस सॉल्ट इस सब्सटेंस का था, और ये तीनों के तीनों सब्सटेंस की नेचर बरकरार रह रही थी, तो एक मर्क्यूरी ऑफ थर्मामीटर जो है वो उस सब्सटेंस पर कहीं ना कहीं जाके रुक गई थी, और मर्क्यूरी कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट होते होते इस पॉइंट पर रुकी, और उस वो जो थर्मामीटर जो फारेनहाइट है उसने आपको वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट आपको बना के दिया जीरो फारेनहाइट, जो के इस सब्सटेंस के मुताबिक बन जाता है 32 फारेनहाइट। यानी 32 फारेनहाइट जो है वो 32 फारेनहाइट पर सब्सटेंस की नेचर जो है वो होनी चाहिए आपकी वाटर प्लस आइस। इससे नीचे अगर जीरो फारेनहाइट से स्टार्ट होता है तो जीरो फारेनहाइट पर आपकी सब्सटेंस की नेचर रहती है वाटर प्लस आइस प्लस सॉल्ट, जिस सही है। फिर जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जाते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच गैसेस स्टार्ट्स टू बिकम लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैसेस आपका गैसेस का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, गैसेस जो है वो आपकी कूलिंग मेथड के जरिए वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो उस टेम्परेचर पर जो हम नोट करते हैं जीरो केल्विन, सही है ना। तो ये जीरो केल्विन से आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, जीरो केल्विन से स्टार्ट हुआ। अब हम जब देखते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हम सेल्सियस के फारेनहाइट से चेक करते हैं तो फिर वो वैल्यू आती है हमारे पास -273.3 सेल्सियस, और जब हम उसी को फारेनहाइट -459.67, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फारेनहाइट का हमारे पास वैल्यू आ जाती है 212 फारेनहाइट, और केल्विन में हमारे पास आ जाती है 373 केल्विन, और ये आपका 273 केल्विन। इसका मकसद ये है कि केल्विन और सेल्सियस के दरमियान
-273 की डिविजन है। और जब हम बात कर रहे होते हैं फारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान, तो इनकी डिवीजन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर 100 है तो 212 यानी 112 की डिवीजन से, और यहां पर 0 से लेकर 32 यानी 32 की डिवीजन है। तो इसका मकसद ये है कि इसकी कन्वर्जन को ड्राइव करने के लिए हमें इस ग्राफ मेथड यूज करना पड़ेगा, और वो ग्राफ मेथड ये है